हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेम अनीता ब्लॉग्स पर। मैं अनीता आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं। वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरा देखिएगा जरूर, बहुत मज़ा आएगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं अभी रवेली, और ये देखिए खेतों का नज़ारा। अभी गन्ना हो गया है रेडी काटने लायक, और इधर आगे में है गुड़ फैक्ट्री, और अभी हम लोग रास्ते में हैं। वहाँ पे हो रहा है महायज्ञ, और ये सुबह सुबह का नज़ारा है। और जैसे जैसे टाइम होता है भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अभी बच्चे लेकर जा रहे हैं इसलिए सुबह जा रहे हैं हम लोग। और ये है गुड़ फैक्ट्री, और यहाँ पे हमारी इधर अभी हर 4-5 किलोमीटर में आपको गुड़ फैक्ट्री देखने को मिल जाएगा। और ये पहुँच गए हम लोग रवेली, और ये मिस्टर जी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। देखिए भीड़ कितना ज़्यादा है, अंदर अंदर जा रहे हैं। यहाँ लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही मतलब शुरू हो चुका है भीड़, और ये सुबह सुबह का है, लगभग वही 9 बजे के आसपास का। ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स, आप लोग देखने के साथ साथ जो लाउड स्पीकर में चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो और ये नदी जो है ना, वहाँ से टम्पेली ऐसे ही लकड़ी से अभी बनाया है पुल जैसे, उसी से आना जाना हो रहा है अभी। और ज़्यादा भीड़ होता है ना तो यहाँ पर को बंद कर देते हैं। उधर से एक रास्ता है, मेरा रास्ता उधर से फिर आता है, क्योंकि उधर साइड ज़्यादा भीड़ रहता है करके हम लोग इधर से आए हैं, और इधर थोड़ा सा कम रहता है भीड़। और टाइम होता है तो ज़्यादा हो जाता है, अभी तो फिलहाल कम है भीड़। और देखिएगा 1 घंटे बाद इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि शाम टाइम में कितना भीड़ रहता होगा यहाँ पर। और ये आज 7वां दिन है, और ये 21 तारीख को लास्ट हो जाएगा। और ये पुल है, यहाँ से संभल कर जाना रहता है। आप लोग देख सकते हैं कल टूट चुका था, उसको दोबारा रिपेयर किए हैं, तो आज फिर जाने दे रहे हैं। कल से कल बंद था। जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि वो आपस में वार्तालाप ना करें, आपस में चर्चाएं ना करें। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप अभी अभी करके चर्चाएं कर लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये हम लोग फाइनली पुल को पार करके पहुंच चुके हैं, और यहाँ से शुरू हो जाता है नांगा साधु जो आए हैं उनका कुटिया, यहीं से शुरू होता है, प्रारंभ है यहाँ से। नारियल वारियल हम लोग ले लिए हैं, और यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है यहाँ से नांगा साधुओं का। और उधर फिर जो बना है ना पंडाल महायज्ञ का, उसके चारों तरफ पूरा इसी तरह का बना हुआ है। अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं वीडियो को देख करके कितना सारा होगा करके पंडाल, और नांगा साधु जो हैं उन लोग कितने संख्या में होंगे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा वीडियो देख करके। और वीडियो देख करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को हमारी जो भाई बहन नए आए होंगे उन लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उन समस्त श्रद्धालुओं को, समस्त भक्तजनों को आह्वान करता हूँ उनको, क्योंकि कहा गया है एक घड़ी आधी घड़ी, आधू में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हर ही कोटि अपराध। यदि आप थोड़ा सा समय भी संतों के बीच में दिया, संतों के सानिध्य में दिया, तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, आप कहने लगेंगे कि तुम आजाद ही कह गए थे कि संतों के सानिध्य में रहने से हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। आज आपको संकल्प भी लेना पड़ेगा कि आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी को दुखाएंगे नहीं, कोई पाप नहीं करेंगे। आप यदि ऐसा संकल्प लेते हैं तब संतों के सानिध्य में आएंगे, तो मैं सच कहता हूं कि आपका कल्याण हो जाएगा। और आप यहाँ 4 दिन के लिए आए, और 4 दिन में किसी की चैन खींच ली, किसी की चप्पल पहन ली, किसी के कंधनी चुरा ली, तो कल्याण होगा? कभी नहीं होने वाला। संतों के सानिध्य में रहने से
श्री गणेश 21 कुंडिया महायज्ञ हो रहा है रवेली में। ये यहाँ का बहुत भव्य महायज्ञ है और बहुत भव्य भंडारा भी यहाँ पे चल रहा है। ये लगभग एक महीना हो गया है भंडारा पे चलते और यज्ञ को आज 7 दिन हो गया है। जपता परिभ्रमण मात्रेण हृदयाता गणेश देवता प्रति समर्पण एवं हृदयाता भक्तिभावस्य स्फूर्ण पूज्य हेतवे सकला दुर्विसन समनाथं सकल प्रेताति बाधा विनाशनाथं कुंडल्यां स्थित सकल अष्टग्रह गोचर विनाशनाथं दारिद्र्या विनाशनाथं रोगादि विनाशनाथं ब्राह्मणः भगवान गणेश जी का माता भोली जी का भगवान का ध्यान करके उपहार चढ़ाए। यहाँ पे एक कुटिया बना हुआ है ये पेड़ के नीचे, उसी में जो महात्मा जी हैं वही करवा रहे हैं ये यज्ञ हो रहा है, जो किस कुंडिया यज्ञ जो हो रहा है उसको। ये पहले से आए हुए हैं, यहीं पे हैं लगभग, इनको 1-1.5 महीना हो गया यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे रहते हैं, तप करते हैं। और जो श्रद्धालु आते थे पहले यज्ञ शुरू होने से पहले, तो उनको प्रवचन भी सुनाते थे, बताते थे सारे चीज़ें, उनकी प्रॉब्लम भी दूर करते थे। उसके बाद फिर यज्ञ शुरू हुआ है। ये है महात्मा जी, यहाँ पे वीडियो लेने नहीं दे रहे थे। ये है नागा साधु, और जो भी आते हैं ना यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए उनको बुलाते थे और आशीर्वाद देते थे। और हम लोग बहुत डर रहे थे जाने के लिए, फिर भी बुलाए ना तो थोड़ा सा बस गए पास में, और डर भी रहे थे बहुत, बच्चे लोग भी डर रहे थे। Oh,
ये सुबह 10 बजे का है फ्रेंड्स। देखिए इतना ज़्यादा भीड़ आज तक मैं पहली बार देखी हूँ यज्ञ में। और देखिए यहाँ पे और शाम तक तो और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है बोल रहे थे, पहले जो आए थे उन लोग बता रहे थे। और सुबह तो थोड़ा कम ही है और शाम को बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है वो बता रहे थे। और इधर से हम लोग जा रहे हैं साइड से होते हुए भागवत कथा जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे, और उसके बाद फिर उधर से हो रहा है उधरी साइड में है जो यहाँ पर एक बार आकर के देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ से ना घर जाने का मन ही नहीं होगा, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा। और ये देखिए सब लोग खाना खा कर आ कर के यहीं पे धो रहे थे प्लेट वगैरह जो है उसको, और पानी पीने की सुविधा है। और ये देखिए फ्रेंड कितने मतलब यहाँ पे आते हैं जो श्रद्धालु, उन लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कितना खाना बर्बाद करते हैं, जितना खाना रहता उतना लिए, बाकी एक्स्ट्रा ना लिए और फेंके मत खाना को। ये हम लोग घर वापस जाने के लिए निकल चुके हैं यहाँ पर और जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे थे मिस्टर जी के साथ और बच्चों के साथ भी। और इधर से आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।